अपराजिता का एक छोटा सा प्लांट है जो गमले में मैंने लगाया है। रूट बाउंड्री हो जाने के कारण इसमें फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, तो इसे मैं एक रिपोर्ट करूँगा। एक इस गमले में जो टैग्स के बने हैं इसे मैंने ही बनाया है, तो ये आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ये मेरा आज फर्स्ट वीडियो है जो अपराजिता का रिपोर्टिंग करूँगा इसी गमले में, जो चलते हैं रिपोर्ट किया जाए। तो इसे हल्के हाथों से निकाल दीजिए। इसे आराम से ऊपर की ओर खींचिए। इसका रूट बॉल देखिए, रूट कुछ तो टूट चुका है, इसे घबराने की कोई बात नहीं है। इसे अब जैसे जैसे बिना डिस्टर्ब किए भी हुए इसे यहाँ रखें और पोटी मिक्स बनानी होगी, तो पोटी मिक्स इसको साइड में रख लेते हैं। तो मैं अपने दो गमले में लगाना था इसलिए मैंने इतना मिक्स किया हूँ। यदि आपके पास एक ही गमले में लगाना हो तो आप 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद और 20% धान की भूसी और 10% ये सैंड मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आपके पास कोई भी फंगीसाइड हो तो हल्का सा इस पर मिक्स कर, मिक्स करने के बाद अब इसे रिपोर्ट किया जाए। ये गमले और ये इसमें जो ये ड्रेनेज होल है इसे आप क्लियर करके और इसके ऊपर छोटे से पत्थर के टुकड़े या ईंट के टुकड़े रख दें, क्योंकि ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है एक्स्ट्रा वाटर को निकलने के लिए। अब इसे फिल कर लें। इसे अच्छे तरह से फिल कर लें। ये मेरा 10x10 का गमला है प्याज का, तो इसे अच्छे से फिल करने के बाद इसका बिना रूट बॉल डिस्टर्ब किए बिना इसे इस पर रख दिया जाए। और इसे अच्छे से फिल कर दें। ये मैंने अच्छे तरह से इसके फिल कर चुका हूँ। अब फिल करने के बाद जो इसका वो सॉइल है उसे निकाल दें ज़्यादा भी, क्योंकि अभी वाटरिंग करना है। वाटरिंग करने के बाद ये कुछ सॉइल अंदर तक बैठ जाएगा और इसे अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें जब तक कि ड्रेनेज होल से वाटर ना निकल जाए। वाटरिंग करने के बाद इसे छोड़ दें जब तक ड्रेनेज होल से बाहर ना निकलने लगे। Thanks for watching for my first video. Please subscribe.